बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उम्मे हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उम्मे हसन। और आज मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। इसे मिल्क आइस शेक भी कहा जाता है। ये फुल क्रीमी होता है। इसमें सबसे पहले फुल फैट वो जो क्रीम होती है और मिल्क वो डालेगा, और 4 टेबल स्पून इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। और ये मैंगो है, ये भाई पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे 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 और प्यारे प्यारे से मिल जाते हैं, हमें यहाँ से यही मिले हैं। तो ये मेरी सबसे छोटी बेटी को बहुत पसंद है, तो उसकी फरमाइश पे बना रही हूँ। तो ये मैं छिलकी हटा लूँ। ये बिल्कुल आइसक्रीम का ही इसका टेस्ट बन जाता है बाद में ना। और ये जो मैंगो थे ना, ये तकरीबन सुबह से मैंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया हुआ था ऊपर। तो मिल्क भी मैंने उधर रखा हुआ था और ये जो क्रीम है ना वो भी। ये तीनों चीज़ें बहुत ठंडी हैं। तो ये 4 टेबल स्पून ये शुगर है वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये तकरीबन 500 ग्राम है क्रीम। ये बीट करके तो ये उसके केक के ऊपर भी लगाई जाती है, ये वो वाली क्रीम है। तो ये तकरीबन 250 ग्राम मैंने इसमें डाली है, और तकरीबन अंदाजे से मैंने 250 ग्राम ही इसमें मैंने मिल्क ऐड कर लिए। और अब इसको अच्छे तरीके से ना इसको इसका शेक बनाएंगे अच्छे तरीके से, यानी कि सारा मिक्स हो जाए क्रीमी। ये देखें कितना अच्छा और प्यारा क्रीमी बन के तो तैयार हो गया। तो अब मैं थोड़ी सी इसमें आइस डालूंगी। ये क्रीम की वजह से ना बहुत वो जब उसको बीट किया जाता है तो क्रीम नहीं वो हो जाती तकरीबन गाढ़ी हो जाती, तो वैसे ही ये तकरीबन बन गया था। तो ये ले जी, ये मेरा बन के तो तैयार हो गया है। ये मेरी छोटी सी बेटी की फरमाइश पे बनाया गया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपके और मेरे रिज़क में इजाफ़ा फरमाए। हमेशा की तरह आप खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और ये मेरी बेटी अब ट्राई करेगी तो ये बताएगी कि ये कैसा बना है, कैसा बना है। ओ वाओ।